News 18, India. कि मुद्दे की बात नहीं होती है, मोदी जी की बात होती है। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के होलसेलर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। कि मुद्दे की बात नहीं होती है, मोदी जी की बात होती है। मुद्दे की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए। और यही बात अगर हम लोग पूछे, भाई मोदी जी तो कहते थे कि 2022 में आए तो दुगना कर देंगे किसानों का, हुआ कि नहीं हुआ? ये तो बात सामने आ ही गई है कि आए दुगना तो छोड़िए, गरीब गरीब होता चला गया, अमीर अमीर होता चला गया। ये सच्चाई है, ये बिहार की तो सच्चाई है ही, लेकिन देश की भी सच्चाई। आज पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे, प्रधानमंत्री जी से 2 मिनट वक्त चाहते हैं कि अपना दुखड़ा जो है वो अपने देश के प्रधानमंत्री के सामने रखे, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। वो प्रियंका चोपड़ा से जरूर मिलेंगे, लेकिन हमारे किसान भाइयों से नहीं मिलेंगे। देखिए, कई तरह की बातें वो करते रहते हैं, हमको उस पर जाना नहीं है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है और मेरा समर्थन है, और इस आंदोलन में हम आपके भागीदार हैं कि एमएसपी जो है आप लोगों को मिलना चाहिए, उससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। और आप सब लोगों को कहना चाहते हैं कि हम लोगों की कोशिश लालू जी के समय में, राबड़ी जी के समय में बाजार समिति था, मंडी था, वो नीतीश कुमार जी के आने के बाद उन्होंने खत्म कर दिया। और हम लोगों ने कृषि मंत्री भी सुधाकर सिंह जी को बनाने का काम किया था, और लगातार यही बात थी कि भाई कम से कम बाजार समिति मार्केट जो है वो बन जाए। लेकिन आप लोग तो सब लोग अच्छे से जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे हैं, वो किसी का सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हमारा महागठबंधन का सरकार था, खुद का नहीं था। और हम लोगों ने एक थके हुए मुख्यमंत्री को, थके ही हुए है ना, चुनावों में क्या कहते थे कि नौकरी अपने बाप के पास से लाएगा पैसा देने के लिए। हमने बोला था कि रिक्त पदे हैं, साइंटिफिक अध्ययन हम लोगों ने कर रखा था कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने पदे खाली है। एजेंडा था 10 लाख नौकरी देने का, लेकिन सोचो 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, तो देश के इतिहास में कहीं नहीं है। एक विभाग ने तो 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी जो है दिया, अब तो तीसरा फेज भी आ गया। और यही नहीं, मुख्यमंत्री जी तो वही स्वास्थ्य विभाग का मेरा फाइल दबा के रखे जाए, 1,30,000 लोगों को बहाली जो है निकालना था, लेकिन कई कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए, बोले आप कर देंगे, आप कर देंगे, आप कर देंगे। तो चलो, ज्यादा किसी का बुराई नहीं करना है, बुराई करने से कोई फायदा नहीं है। मेहनत करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, और राहुल जी आज आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और ये घूम करके देश भर में देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है। ये नफरत की राजनीति जो लोग करते हैं, जो झूठ का प्रचार करते हैं, हमने पहले भी कहा था कि मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के होलसेलर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो इसलिए आप सब लोग जागरूक समाज हैं,
हम लोग चाहते हैं कि समाज का अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति का विकास हो, और हम लोग चाहते हैं सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों को आर्थिक न्याय मिले। इसकी लड़ाई हम लोगों को आगे लड़ने का काम करना है, गरीबी मिटाने का काम करना है। और हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। राहुल गांधी जी आए थे अभी किशनगंज, कटिहार होते हुए गए। उस दिन एक दिन हमारे पिताजी को बुला लिया गया ईडी ऑफिस, उसके अगले दिन हमको बुला लिया गया। तो ये तो हम लोग तो बचपने से ना देख रहे, कोई डरने वाली बात नहीं है, है ना। इनके गीदड़ भक्ति से लालू जी और लालू जी का बेटा घबराने वाला है। तो आप तो मजबूत रहिए, आपके अधिकार के लिए, आपके हक के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए, आपको इंसाफ दिलाने के लिए जो खून पसीना बहाने की जरूरत होगी वो हम लोग मिलकर के बहाने का काम करेंगे, ताकि आप लोग आगे बढ़े, आपका तरक्की हो।